नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राहुल लक्षरामू में। दोस्तों आज मैं ओरछा अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है वहां आया हुआ हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको ओरछा अभ्यारण्य की सैर कराऊंगा। आप पीछे देख सकते हैं, वेलकम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरछा। दोस्तों यह अभ्यारण बेतवा नदी और जामनी नदी के बीच स्थित टापू पर बसा हुआ है। तो दोनों नदियों के बीच में होने के कारण ये पूरा अभ्यारण वेटलैंड है। इस कारण ये अभ्यारण पक्षियों के लिए आदर्श वातावरण है यहाँ पर। दोस्तों ये ओरछा अभ्यारण का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ ओरछा अभ्यारण में जाने का पैदल जाने का 50 रुपये टिकट है, दोपहिया वाहन से जाने का 200 रुपये टिकट है, और अगर आप कार से आते हैं तो 600 रुपये यहाँ एंट्री फीस है। चलिए दोस्तों अभ्यारण में हम लोग प्रवेश करते हैं। दोस्तों बाकी की जानकारी मैं अभ्यारण्य में आपको दूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मेरे साथ में इस वक्त इस अभ्यारण्य के देख रेख करने वाले यहाँ गेट पर बैठते हैं देवी चरण सिंह जी हैं, उनसे यहाँ की कहानी हम जानते हैं। ओरछा में जी जामनी नदी है। हाँ, और बेतवा नदी जहाँ संगम पड़ता है, पहला नंबर जामनी नदी और बेतवा नदी का संगम पड़ता है। संगम पड़ता है तो रामलला को अयोध्या से वहीं से बयान की कई बरस बीत गया तो उन्होंने कहा था कि हम पोखन पोखन चलेंगे। हुँ। और वहाँ से मतलब जहाँ बैठाल दोगे वहीं बैठ जाएंगे। अच्छा, तो ये शर्त थी रामलला की। अच्छा, तो रानी ने कहा तो ठीक है, हम आपकी शर्त से मंजूर हैं। तो फिर वहाँ से ले आई वे अपने विमान में उड़ा के, जैसे भी आई हूँ तो यहाँ आई तो यहाँ चित्रकूट का एक महल बनाया था उन्होंने। तो वहाँ पे रात में अच्छा मतलब बगीचा था कि रात में मतलब ये परी लोग आती थी खुशबू लेने के लिए। क्या चुपन की बात है जी, अपन को तो पैदा ही नहीं है, मात बताने की बातें हमको बताएं तो हम सीख के आए हैंगे इन लोगों को। तो फिर सुबह भुख लगी वहाँ पे, तो फिर वहाँ उस चबूतरा बना है बेतवा नदी में, जामुन का पेड़ है, आप जाना तो आपको दिखाएगा मगर के सामने चबूतरा दिखाएगा, आपको गलत बता रहा हूँ, आप जान जाओगे कि हाँ सही कह रहा है। तो वहीं पे नहलाया सपराया, लड्डू भी खिलवाए उनको, खिलवा पिलवा के हुक्म दिया रानी ने राजा को, तो पूरी रियासत को घोड़ा बग्घी के साथ हाथियों के साथ बारात के ऐसी मतलब ले गए अपने अपने रसोई घर में मंदिर ले गए। तो वहाँ बनने को थोड़ा कम था, तो जब उनने वहीं पर बैठा दिया उनको, वो फिर उनको बन गया। तो उन्होंने कहा रामलला से कि आप चलो, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहीं पे रहेंगे, जो आपने कह दिया था कि हम जहाँ बैठ जाएंगे तो वहीं पे बैठ जाएंगे, तो हम यहीं पे बैठे हैं और हमारा सिंहासन दूसरा बना, तो हमारा सारा संसार मतलब यहीं से दर्शन करेंगे। हाँ, तो राम राजा सरकार का मतलब यहीं से मतलब नाम चलेगा, यहीं से चलेगा। हाँ, हाँ। आते हैं जाते हैं उस पर नहीं है मुँह। तो अभी कोई जानवर है अभी मूज मिलेगा, सियार मिलेगा, मोर मिलेगी, और ये लोमड़ी मिलेगी, और हिन्ना मिलेगा जी। अच्छा, यहाँ पक्षियों का क्या बहुत आवाज़ होता है, पक्षी है बहुत है यहाँ पे? हाँ, तो बतख है नदी में। अच्छा, नदी में बतख है, बाकी पक्षी? दोस्तों ये मेरा ओरछा अभयारण्य का पहला पार्ट है। मैं और भी पार्ट लाऊंगा ओरछा अभयारण्य के, क्योंकि इस वाले पार्ट में अभी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हुई हैं। दोस्तों ओरछा अभयारण्य मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित है, कि उत्तर प्रदेश के झांसी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ओरछा, जिसको हम मध्य प्रदेश का अयोध्या भी कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। ओरछा में कई सारे दार्शनिक स्थल हैं। ओरछा में राम राजा मंदिर, लाला हरदौल मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, छतरियाँ, जहांगीर महल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतवा नदी आदि कई सारे धार्मिक स्थल व प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। जहां यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप ट्रैकिंग साइकिलिंग भी कर सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, हाइकिंग आदि रोमांचक साहसिक खेलों का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं किसी भी मौसम में कहीं पर भी घूमने चले जाता हूँ जहाँ मेरा मन करता है। दोस्तों आपके घूमने का मजा, घूमने का आनंद थोड़ा बहुत इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप जिस जगह घूमने गए हैं उस जगह का उस वक्त मौसम कैसा है। जैसे कोई किला या ऐतिहासिक इमारत आप गर्मियों के मौसम में दोपहर में घूमने जाते हैं तो उसे देखने में आपको उतना आनंद नहीं आएगा। तो घूमने का मजा मौसम पर और किस समय आप घूमने गए उस पर भी निर्भर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं ओरछा अभयारण्य की। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको मेरे इस वीडियो में ओरछा अभयारण्य में कोई जानवर देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको ओरछा अभयारण्य में कोई जानवर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ओरछा अभयारण्य मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के बेतवा और जामनी नदी के बीच बसा हुआ है। दोस्तों ओरछा उत्तर प्रदेश के झांसी से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी से ओरछा आने के कई साधन उपलब्ध हैं। दोस्तों इस अभयारण्य की स्थापना 1994 में की गई थी। यह अभयारण्य लगभग 45 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों यह अभयारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से पक्षी प्रेमी सर्दियों में पक्षियों को देखने और उनकी फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। यहाँ आप जंगल ट्रैकिंग व साइकिलिंग भी कर सकते हैं तथा बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, हाइकिंग आदि का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों यह अभयारण्य गर्मियों में घूमने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है क्योंकि ओरछा में बहुत गर्मी पड़ती है। दोस्तों अगर आप गर्मियों में इस सेंचुरी को देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुबह आएँ या फिर शाम को इस सेंचुरी को देख सकते हैं। दोस्तों यह सेंचुरी बेतवा नदी से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों जैसे ही आप पुल पार करके बेतवा नदी के दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर आपको तुंगरण अभयारण्य देखने को मिलेगा। दोस्तों बेतवा नदी के उस पार राइट हैंड साइड पर स्थित तुंगरण स्थल बहुत ही सुंदर जगह है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले तुंगरण स्थल को जरूर देखें। तुंगरण स्थल बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन है और वहाँ आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। वहाँ आपको बेतवा जी पेड़ों के बीच से गुजरती हुई दिखाई देगी। बहुत ही शांत और सुंदर जगह है तुंगरण स्थल। आप अगर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं तो तुंगरण स्थल बहुत ही आदर्श जगह है। वहाँ पार्क बने हुए हैं, पैडल बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आप प्रकृति की गोद में प्रकृति के बीच एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं तुंगरण स्थल में। दोस्तों जल्दी मैं अपने ओरछा अभयारण्य के पार्ट 2 में तुंगरण स्थल को आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दूसरी तरफ जामनी नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है जहां हम नहीं जा पाए क्योंकि वहां किसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक चल रही थी, जैसा हमें अभयारण्य के गेटमैन देवी प्रसाद जी ने बताया। तो दोस्तों अपने ओरछा अभयारण्य के दूसरे पार्ट में मैं आपको ओरछा अभयारण्य में स्थित जामनी नदी, जंतु टावर तथा व्यू पॉइंट के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों इस वक्त मैं जंगल के बीच में हूँ और यहाँ से बेतवा जामनी संगम मात्र 260 मीटर की डिस्टेंस पे है और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको एकांत वॉच टावर देखने को मिलेगा जो यहाँ से 670 मीटर की डिस्टेंस पे है। चलिए दोस्तों अब हम जामनी और बेतवा जी के संगम देखने चलते हैं। दोस्तों इस ओरछा वन्य जीव अभयारण्य की मेरी यात्रा में मेरे साथ मेरी वाइफ हर्षा जी भी हैं, उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। दोस्तों इस अभयारण्य में एक विशेष कुहा अर्जुन वृक्ष है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये दो कुहा अर्जुन वृक्ष आपस में जुड़े हैं जिन्हें राम लक्ष्मण भी कहा जाता है। दोस्तों इन कुहा वृक्ष अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग मधुमेह और हृदय रोग में किया जाता है। दोस्तों यह दीवार बेतवा नदी के उत्तरी तट की ओर स्थित है
इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा भारती चंद द्वारा कराया गया था। इस पर कांटे के सामने नदी के दूसरी तरफ अति प्राचीन लंका के हनुमान का मंदिर स्थित होने के कारण इसे लंका की दीवार कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सोच के देखने को आते हैं कि आपको जानवर देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ कोई आपको बहुत ज़्यादा जानवर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही आप जंगल के किनारे स्थित बेतवा नदी पहुँचेंगे तथा बेतवा व जामनी नदी के संगम पर पहुँचेंगे, तो वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर है तथा इस जंगल में स्थित जामनी नदी का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नदी पार करते ही राइट हैंड साइड पर स्थित तुंगरण स्थल अवश्य जाएं। तुंगरण स्थल में घुसते ही आपको 100-200 मीटर बाद से ही ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। ऐसे नज़ारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 2 किलोमीटर अंदर जाकर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं इस अभ्यारण्य में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित एकांत वॉच टॉवर आप पहुँचाऊँ। दोस्तों, इस एकांत वॉच टॉवर से आपको रामराजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर आदि के दर्शन दूर से ही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, एकांत टावर के ऊपर चढ़कर मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ से रामराजा टेम्पल और जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर के दर्शन कराता हूँ मैं।